तो भाई ये है महासमुंद ज़िले की खूबसूरती। आप चारों तरफ देखिए, आपको पहाड़ी दिखेंगी दूर दूर में। बहुत ही खूबसूरत ये यहाँ का डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ का। एक्चुअल में आप महासमुंद शहर से बस 5-6 किलोमीटर आगे आएंगे तो आपको जंगल मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत जंगल है यहाँ, बहुत अच्छी अच्छी जगह है। वेलकम बैक टू माई चैनल फोक्स, आई होप यू ऑल आर वेल। तो जैसे मैं आपको बताया था कि मैं छत्तीसगढ़ के जो 36 किले हैं उनको मैं कवर करने वाला हूँ। तो ऑलरेडी मैं एक सुवरमार्गढ़ का किला कवर कर चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे तो पहले जाके उस वीडियो को देखिए, तो फिर इसको देखिएगा। तो आज मैं आया हूँ चंपापुर, जिसको कि प्राचीन काल में चंपापुर के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब ये एक मोहदी गांव बन गया है। तो अगर आप यहाँ के टेक्स्ट बुक्स वगैरह में देखेंगे तो आपको मोहदी करके जगह का नाम मिलेगा, जो कि उनके छत्तीसगढ़ों में से एक था। तो यहाँ की स्टोरी के बारे में पता लगता है कि चाइनीज ट्रैवलर थे वेन सांग करके, आप उनका नाम जानते होंगे। तो वो करीब 6 से 7 सेंचुरी के बीच में पूरे इंडिया में ट्रैवल किए थे। वो बौद्धिज्म के वो मानते थे। उन्होंने मेंशन किया था छत्तीसगढ़ के 36 मिट्टी के किले। ये मुझे भी आज ही पता लग रहा है कि जो किले थे यहाँ पर मिट्टी के किले थे। तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा रहा होगा कि मिट्टी की दीवारें होंगी। मे बी जो लोग मोर्टार वगैरह यूज़ करते थे वो मिट्टी के होते होंगे या ऐसा कुछ होगा, लेकिन शायद यही कारण होंगे कि आज तक जो कि 16 गढ़ थे छत्तीसगढ़ के, उनमें से कुछ भी नहीं बची क्योंकि वो इतने मजबूत नहीं थे। खैर, मैं अभी चंपापुर में आया हूँ तो मैं आपको यहाँ के बारे में बताने वाला हूँ क्या स्टोरी है। तो चलिए चलते हैं। मैं पहाड़ पे चढ़ चुका हूँ। मैं सबसे पहले महासमुंद आया हूँ। महासमुंद से करीब 11 से 12 किलोमीटर दूर ये मोहदी करके गाँव है। आपको मोहदी आना पड़ेगा। तो मोहदी में ये महादेव पठार करके है प्लेस, तो वहाँ पर आपको आना पड़ेगा। तो मैं सीढ़ी चढ़ चुका हूँ। मैं करीब 70-80 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आ चुका हूँ। तो अब मैं चलिए आपको यहाँ के बारे में कुछ दिखाता हूँ, लेकिन उसके पहले देखिए, ये आपको ग्रीन सब दिख रहे होंगे। ये एक्चुअल में एक गुड इन्वायरमेंट के इंडिकेटर होते हैं। अगर आपको ये जहाँ भी दिखे तो आप ये समझ जाएगा कि वहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है। तो अच्छा लग रहा है, चारों तरफ यही है। तो मैं ऊपर चढ़ तो चुका हूँ, लेकिन अब मुझे ढूंढना है कि वो केव कहाँ है। तो चलिए देखते हैं। मैं चल रहा हूँ यहाँ, ये पूरा पहाड़ है और मुझे अभी ढूंढना है यहाँ पे कि वो, अच्छा आई थिंक ये कुछ लिखा हुआ मुझे दिखा है, देखते हैं क्या है ये। तो ये आई थिंक हनुमान गुफा लिखा है। तो जो दरअसल यहाँ पे जो देवी थी उनको चंपेश्वरी देवी कहा जाता है, क्योंकि वो यहाँ के जो राजा थे उनका नाम उन्होंने चंपापुर रखा था। तो उनकी जो लोक देवी थी उनको चंपेश्वरी देवी के नाम से तब से पूजा जाता है। तो साम्राज्य तो बचा नहीं, लेकिन आज भी उनकी जो पूजा है वो गांव वाले करते हैं। वैसे पहाड़ पूरा सुनसान है, आप देख सकते हैं। तो मैं फॉलो करता हूँ इसी रास्ते को। ये देखिए जगह जगह पे लोगों ने बनाया हुआ है उधर जाने के लिए। तो मैं चलता हूँ उधर ही। तो बस फाइनली मुझे गुफा तो मिल गई, पर इसका रास्ता कहाँ पर नहीं पता, मुझे भी चल के देखना पड़ेगा। ये है पूरा रास्ता केव का। चलिए मैं इसका रास्ता देखते हैं कहाँ पे है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई चलिए यहाँ के इतिहास के बारे में बात करें। तो जो ये चंपापुर राज्य था, जो यहाँ के शासक थे वो कचुरी वंश के थे। उनका नाम था भीमसेन द्वितीय। भीमसेन द्वितीय के जो भाई थे भरत दल, वो भी उनके साथ नहीं रहते थे। तो दोनों भाई यहाँ पे मिल के राज करते थे। जो ये राज्य था इस पे जो इनके शत्रु थे जिनका नाम था जयराज, उन्होंने आक्रमण किया और इसी आक्रमण में पराजित वो हुए थे। और इसी वजह से उनको ये अपना राज्य हारना पड़ा और यहाँ से उनको पलायन करना पड़ा। भरत बल थे, जो उनकी वाइफ थी उनका नाम था लोकप्रभा।
तो आक्रमण से उनको मतलब दूसरे जो कि आक्रमण किए थे उनसे बचाने के लिए उनको इस गुफा के अंदर एक भवन बना हुआ था उसमें जाके उनको छुपा देते हैं लोक प्रभा जो थी। लेकिन आक्रमण होता है, राजा लोग हार जाते हैं, प्रयुद्ध खत्म होने के बाद राजा वापस जाते हैं अपनी रानी को ढूंढने के लिए, लेकिन वो यहाँ नहीं मिलती हैं। वो पूरे जंगल में ढूंढते हैं, वहाँ हर जगह ढूंढते हैं, पर वो गायब हो जाती हैं। पता नहीं लगा कि क्यों वो गायब हो गई, हो सकता है भूख से मर गई हों या फिर उनको कोई जंगली जानवर का शिकार हो गई हों, वो नहीं पता। लेकिन बहुत दोनों भाइयों ने बहुत ढूंढा, वो जब रानी नहीं मिली फिर वो पास ही में यहाँ पे एक खल्लारी करके जगह है, वहाँ के राजा के पास दोनों लोग गए और उसके बाद दोनों लोग की मृत्यु हो गई और वापस उनको ये राज्य नहीं मिल पाया। तो ये थी यहाँ की स्टोरी, ऐसे ये चंपापुर राज्य था वो ख़त्म हुआ। जो इस जगह पे जो उनके साम्राज्य रहती थे, जो उनके लोग रहते थे, वो लोग धीरे धीरे जाके दूर दूर में बसने लगे। पहले इस पहाड़ के नीचे बसे, वहाँ के बाद फिर समय के साथ साथ वो कुछ और दूर जाके बसे। तो आज का जो मोहदी गाँव है वो मानते हैं कि यहीं के लोग जो हैं वो वहाँ पर जाके बसे हैं। तो ये थी यहाँ की स्टोरी। टोटल यहाँ पर मैंने आपको बताया था मैंने कि चार गुफाएँ हैं। उन चार गुफाओं में से जो एक गुफा है वो ये चंपाई माता की गुफा है, एक जो गुफा है उसको रानी खोल गुफा कहते हैं, वो किसी दूसरी तरफ निकलती है, और दो और गुफाएं हैं। तो टोटल चार गुफाएं हैं। तो जो रानी खोल गुफा है और जो ये चंपाई माता की गुफा है, दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। ऐसा मानते हैं कि यहाँ से आप एंटर करेंगे, बीच में आपको एक बहुत बड़ा भवन मिलेगा और उसके बाद जो एग्जिट है वो रानी खोल गुफा में होगी। रानी खोल गुफा जाने का ऐसा कोई प्रॉपर रास्ता है नहीं अभी, मैं कोशिश करूँगा अगर पॉसिबल होगा तो इन चारों गुफाओं को भी मैं कवर करूँ आगे की वीडियोज़ में। लेकिन ये है कि एक्सेसिबल है आराम से। खैर यहाँ भी कोई नहीं है, मैं आया ऊपर जब चढ़ा तो कोई नहीं है, पूरा खाली ये विरान पड़ा हुआ है। तो उन तीनों के लिए तो स्पेशल ये एडवाइस है कि वो घने जंगलों के बीच में, तो वहाँ आप जाने का वो ना करें। लेकिन मैं देखूँगा अगर पॉसिबल होगा तो आगे की वीडियोज़ में मैं वहाँ भी कवर करूँगा। तो ये थी रानी खोल गुफा की कहानी। और कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि इन दोनों गुफाओं के बीच में एक झरना है। एक ये एक असंभव टाइप की चीज़ लगती है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है क्योंकि आपको पता होगा तो थाईलैंड में एक केव है, उस केव के अंदर उसका खुद का जंगल है, खुद की नदी है और खुद का वहाँ का वेदर है। तो गुफाओं में इतना कुछ हो सकता है। तो हो सकता है कि यहाँ की गुफा के अंदर भी कोई झरना हो, लेकिन ये एक्चुअली में यहाँ का रास्ता बंद कर दिया गया है तो कोई गुफा में एंटर नहीं कर सकता अब। तो नहीं पता अंदर कोई भवन है कि नहीं, अंदर कोई झरना है कि नहीं, लेकिन मानने वालों का ऐसा मानना है। जो रानी खोल गुफा है वो यहाँ से करीब 3 किलोमीटर दूर है। तो ये 3 किलोमीटर लंबा सुरंग है, इसके बीच में आपको झरने भी मिलेंगे और इसके बीच में आपको एक रूम भी मिलेगा, एक भवन टाइप सी जगह है, वो भी अंदर एक कमरा है जहाँ पे रानी को छुपाया गया था। तो चलिए मैं आपको अब दिखाता हूँ ये गुफा जहाँ से स्टार्ट हुई है और जो माता है चंपाई माता, उनके मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। तो चलिए, तो भाई ये है वो केव में जाने वाला हूँ मैं। एक्चुअली मैंने सुरक्षा के लिए एक डंडी भी पकड़ लिया हूँ क्योंकि इसमें से कुछ आवाज़ आ रही है, मुझे नहीं पता किस चीज़ की आवाज़ है। तो ये है केव की एंट्री, ये है केव, यहाँ पे भी ये कोई पुरानी मूर्ति है। चलिए मैं नीचे चलता हूँ इस केव में, देखते हैं क्या है और आगे। तो ये है माता रानी, ये है चंपई माता, जय माता रानी। ये एक प्राचीन काल की इनकी मूर्ति है जो कि जब ये चंपापुर राजा नाम से जाना जाता था तो यहाँ के कुल देवी थी जिनको चंपेश्वरी देवी कहा जाता है, पर आज भी लोग यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं। खैर फिलहाल तो अभी कोई नहीं है, बोलते कि नवरात्रि के समय में यहाँ पे लोग आते हैं। तो ये गाइज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक और एंशियंट आर्किटेक्चर का मार्वल। तो चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे केव में। ये देखिए अभी के टाइम पे तो लोग ये सीढ़ियाँ बना मतलब रास्ता बना दिए, लेकिन जो साइड साइड में जो केव कटे हुए हैं ये उसी समय के हैं जो राजा के गुप्त रास्ते होते थे, तो उन गुप्त रास्तों में से ये एक है। और ये हैं भोले बाबा कि यहाँ पे इनको विराजमान किया गया है। ओके, इनका नाग माता लिखा हुआ है, जय नाग माता। तो ये रास्ते में ये भी थे, फिर आगे चलते हैं अपन। ये देखिए क्या ब्यूटीफुली इनको तराशा गया है साइड साइड में इन जगहों को, आगे में बहुत बेहतरीन है ये। मैं आगे चल रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं इतना आगे आ चुका हूँ सीढ़ी निकाल के, तो ये आगे जा रहा हूँ मैं। ये सारे गुप्त रास्ते होते थे पहले के समय में जो कि किसी आक्रमण से बचने के लिए आप अगर अपने पूरे साथ में अगर राजा और अपने परिवार के साथ जाना चाहते हैं तो
इन्हीं रास्तों का वो यूज़ करते थे। तो ये गाइस मैं फाइनली इस केव के एंड पे आ गया हूँ यहाँ पे। इसके बाद ये रास्ता बंद हो गया है, ये पता नहीं ये बरसात की वजह से बंद हुआ है या कैसे, लेकिन इसके आगे कोई रास्ता नहीं है, हमें यहाँ से हो गए निकलना पड़ेगा आगे। तो यहाँ से केव बंद है, यही ये रास्ता बोलते हैं कि अगर आगे इसमें जाएंगे अपन तो 3 किलोमीटर के आगे अपने को रानी खोल गुफा मिलेंगी, और इसी भवन के बीच में हमें जो रानी प्रभा रखी गई थी उनका जो एक सभागृह था, एक जो रूम था वो है यहाँ पे, और एक अंदर झरना भी है जो कि अभी तक शायद ही कोई देखा होगा। ये सारे कहानियाँ हैं क्योंकि ये जैसे बंद हो चुके हैं रास्ते तो कोई यहाँ पे जाता ही नहीं है। तो ये था गाइज, बहुत अच्छा लगा मुझे ये केव, मैं फिर से इस केव में जो मैं जाने वाला, एक्चुअल में यहाँ से हमें एग्जिट यहाँ से भी दी हुई है तो मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ, लेकिन ये अल्टीमेटली मुझे फिर जंगल में लेके जाएगा, मुझे वापस एंट्री पे जानी है तो मैं वापस इसी रास्ते से जाने वाला हूँ। तो चलिए फिर, तो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। ये था हमारा छत्तीसगढ़ का फोर्ट नंबर 2 चंपापुर। तो बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो इसको ज़रूर शेयर करिएगा, इस जगह पे आइएगा, क्योंकि ये सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जो अपनी वैल्यू खोती जा रही हैं धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ कोई आता ही नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा जितना आप कर सकते हैं। आगे और मैं आपको फोर्ट लाने वाला हूँ यहाँ के, जो कि 36 किलो में आते हैं। तो चमगादड़ गए मेरे बाद से। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू।